हेलो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप एक पोस्टर डाला था कि मैं बताऊंगा कि आई वेंट टू हिज होम, मैं तीनों में सही कौन है और उसके कारण सहित बताऊंगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चंस मुझे एक बच्चे ने पूछा था कमेंट बॉक्स में। अगर आपको भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं और उस पर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके या कमेंट सेक्शन में जहाँ पे भी या टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट। तो इसमें देखते हैं कि मतलब सबसे सही कौन है क्वेश्चन। ये जो तीन सेंटेंस देख रहे हैं आप, इन तीनों में सही कौन है, राइट। अगर इसमें तीनों में सही देखें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ड क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें आई वेंट होम, तो इसमें ये जो होम है ये क्या है, एडवर्ब है। ये एक एडवर्ब है, राइट। ये एक एडवर्ब है और यहाँ पे ये होम देखें तो ये भी एक एडवर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे ये होम देखें तो ये क्या है, एक नाउन है, बिकॉज ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन होगा, राइट। तो हम एड रूल्स ये कहता है कि एन एडवर्ब एंड अ प्रीपोजिशन आर नॉट यूज टुगेदर, मतलब कि एडवर्ब और प्रीपोजिशन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और ये है एडवर्ब, तो ये रूल ये गलत हो गया रूल के अनुसार, राइट। तो आई वेंट टू होम नहीं होगा, राइट। अगर इस तरह के हम क्वेश्चंस देखें तो कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि कोई भी आपसे पूछता है कि आई वेंट टू होम लिख सकते हैं क्या, या फिर आपके मन में भी ख्याल आता होगा, बिकॉज जब आप ट्रांसलेशन कोई कुछ बोलता होगा होम से रिलेटेड और आप बनाते होंगे इस तरह के ट्रांसलेशन, तो फिर वहाँ पर आपको टीचर्स मना करते हैं कि आप होम के साथ टू मत लगाना, राइट। तो टू क्यों नहीं लगाएंगे, बिकॉज रूल ये है कि प्रीपोजिशन और एडवर्ब एक साथ नहीं आ सकते हैं, राइट। फिर इस तरह के एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया नहीं है, राइट। तो फिर आते किस तरह से हैं एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे ये क्या है, पहला सेंटेंस तो गलत है, दूसरा सेंटेंस सही है, बिकॉज इसमें प्रीपोजिशन नहीं है तो इस तरह से आ सकता है। और यहाँ पर क्या है कि ये होम है जो नाउन है। अब ये मत कहने लगेगा कि सर कि होम कैसे एडवर्ब हो सकता है, तो मैंने आपको बहुत बार उदाहरण देकर बताया कि पेन कभी नाउन हो सकता है तो कभी एडजेक्टिव हो सकता है तो कभी वर्ब हो सकता है, राइट। उसी तरह से वर्ड के ही फंक्शन पे अलग अलग उसको पार्ट में बांट कर रखा गया है, राइट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक बात ये भी बताऊँगा कि जैसे ट्रेडिशनली हुआ क्या कि ट्रेडिशनली अगर हम बात करें कि जो अंग्रेज़ जो थे उन्होंने क्या किया कि जब वो रूल्स बनाने बैठे थे तो हुआ क्या कि कुछ ऐसे वर्ड उनको मिल रहे थे कि वो उनके जो रूल बना रहे थे उस पर फिट नहीं बैठ रहा था, तो उनको जैसा यूज़ कर रहे थे वैसा ही उनको छोड़ दिया गया, मतलब वैसे ही उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उनके पूर्वज जैसे बोलते आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि उसको उसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए यूरोप में कहा जाता है कि इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्टूपिड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, राइट। तो उसी तरह से फिर आते कैसे हैं, आप ये रूल लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, याद कर लीजिएगा, है ना, या ऐसे भी अब याद रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन आप। अब ये देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा उदाहरण के लिए, इसमें देखिए कि क्या इसमें कुछ गलत है या ये सेंटेंस सही है, आप मुझे इतना बताइए, राइट। तो इसमें गलत क्या है आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, कि आपको हिंदी अच्छा लग रहा होगा कि द बैट्समैन आर स्कोरिंग रन्स विद केयरफुली एंड पेशेंटली, तो इसमें क्या हुआ कि जो बैट्समैन हैं वो सावधानी पूर्वक और धैर्य पूर्वक के साथ रन बना रहा है, राइट। तो के साथ आपको आ रहा है, बट ये जो प्रीपोजिशन है अभी मैंने आपको बताया रूल ऊपर लिखा हुआ है कि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो ये केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, और ये हो गया प्रीपोजिशन, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। तो इस सेंटेंस को अगर सही करना है तो केवल ये विद हटा लेंगे और क्या होगा, सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर आप विद भी लगाना चाहते हैं तो करना क्या होगा कि इसको नाउन बना लीजिए, है ना, एडवर्ब से चेंज कर लेते, इसको क्या कीजिए, केयर कर लीजिए, इसको पेशेंस कर लीजिए, एंड पेशेंस, राइट। तो इस तरह से हम
सेंटेंसेस को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए लिख दिया है कि द बैट्समैन आर स्कोरिंग रन्स विद केयर एंड पेशेंस। फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई योर एवरी कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।